For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सलमान खान का दबंग टूर आज एक कल्ट बन चुका है और इस टूर का हर शो रॉकिंग होता है। वेल, दबंग के एक्चुअल शोज के साथ साथ फैंस के मन में शो के बिहाइंड द सीन प्रेपरेशंस और रिहर्सल्स को लेकर भी काफी क्यूरियोसिटी रहती है। ऐसे में कई बार शो के रिहर्सल्स की स्नीक पीक्स हम सबको इम्प्रेस कर देती है, तो इसी परंपरा को कायम रखते हुए हम लाए हैं दुबई लेग के प्रेपरेशंस की एक स्नीक पीक। इस वीडियो में सलमान खान अपने ही गानों की मेडली पर रिहर्स करते नजर आ रहे हैं और इस वीडियो में भी उनकी एनर्जी बिल्कुल कम नहीं हुई। दबंग रिलोडेड टूर की बात करें तो ये एक ट्रेनिंग ट्रूप है जिसे सलमान खान ने आज एक ग्लोबल दर्जा दिया है। जहां भी इन दबंग स्टार्स की टोली जाती है वहां कमाल हो जाता है। और हाल ही में इस दबंग टीम ने हैदराबाद में एक धमाकेदार शो किया और अब वो अपने अगले पड़ाव यानी कि दुबई की तैयारी कर रहे हैं। दबंग टूर में सलमान खान के साथ सोनाक्षी सिन्हा, जैकलीन फर्नांडिस, डेजी शाह, मनीष पॉल, रैपर बादशाह और प्रभु देवा जैसे कई स्टार्स भी अपनी प्रेजेंस से चार चांद लगाएंगे। तो जब तक हम दुबई के फैंस को भाईजान और उनकी टीम से एंटरटेन होता देख सके, आपको ये धमाकेदार रिहर्सल वीडियो कैसा लगा हमें बताना न भूलें। रजनीकांत को सभी इंडस्ट्री का थलाइवा मानते हैं और उनकी हर फिल्म को लेकर फैंस के मन में काफी एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन रहता है। बिल्कुल ऐसा ही समा उनकी अगली फिल्म दरबार को लेकर भी छा गया, और क्यों ना हो। आखिर इस फिल्म में 25 साल बाद रजनीकांत एक कॉप का रोल जो निभाने जा रहे हैं। वेल, ये खबर सुनते ही फैंस की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, पर इस फिल्म से जुड़ी कई और खास बातें भी हैं। A.R. मुरुगदॉस के निर्देशन में बनी फिल्म दरबार रजनीकांत की 167वीं फिल्म है और ये फिल्म तमिल के साथ साथ तेलुगु, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज होगी। कल ही मेकर्स ने इस फिल्म के मोशन पोस्टर को अनवेल किया और वो भी पूरे स्टार पावर के साथ। जी हाँ, जहाँ कमल हसन ने इस फिल्म के तमिल वर्जन का पोस्टर अनवेल किया, वहीं मोहनलाल ने मलयालम वर्जन को अनवेल किया। अब जाहिर सी बात है, हिंदी वर्जन के लिए किसी सुल्तान से कम नहीं रोप इन किया जा सकता था, तो मेकर्स ने बिल्कुल वैसा ही किया और बी टाउन के थलाइवा की फिल्म के हिंदी मोशन पोस्टर को उन्होंने सलमान खान के हाथों अनवील करवाया। जी हाँ, भाईजान ने खुद इस मोशन पोस्टर को अनवील करते हुए अपनी ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, बेस्ट विशेस टू नॉट जस्ट अ सुपरस्टार, द ओनली सुपरस्टार, रजनी गुरु इन फुल मोशन, #दरबार मोशन पोस्टर। अब सलमान खान के प्रमोशंस और रजनीकांत की दमदार पर्सनालिटी के चलते पोंगल 2020 में रिलीज होने वाली फिल्म दरबार यकीनन सुपर डुपर हिट होगी, है ना? सलमान खान रिक्रिएट करते हुए नजर आए हम आपके हैं कौन मोमेंट्स। जी हाँ, वेल, अपने दबंग टूर में हाल ही में सलमान खान ऑफकोर्स दबंग टूर के लिए निकले हैं। लास्ट परफॉर्मेंस हैदराबाद में हुई थी और हैदराबादी ऑडियंस ने जिस तरीके से इन सभी का वेलकम किया था, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और जिस तरीके से दबंग टूर इतना सक्सेसफुल रहा है कि ये तीसरी बार हो रहा है दबंग टूर, तो डेफिनेटली ऑडियंस जो है वो हर बार कुछ ना कुछ नया एक्सपेक्ट करती है और न्यू गानों पे डांस करना तो एनी विच वेज ऑडियंस को पसंद आता ही है, न्यू गाने पे एक्टर्स को डांस करते हुए देखना। लेकिन जो नॉस्टैल्जिया ऐड होता है जब एक्टर्स अपने पुराने गानों पर ऐड करते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, और खास करके जब बात हो हम आपके हैं कौन की। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक फिल्म्स ऑफ इंडियन सिनेमा है हम आपके हैं कौन, जहाँ पर हमें सलमान माधुरी का एपिक रोमांस देखने को मिला था और इंडियन सिनेमा की पहली फिल्म है इंडियन सिनेमा की जिसमें 100 करोड़ क्लब में जिस फिल्म ने एंट्री ली थी। उसके अलावा यहाँ पर दीदी तेरा देवर दीवाना, जी हाँ, इस मोमेंट को रिक्रिएट करते नजर आए क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक यही बज रहा था और सलमान खान इस पर प्रैक्टिस करते हुए नजर आए थे। कुछ ऐसी फोटोज और एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर जहाँ पर सलमान जो है डांस करते नजर आ रहे हैं इस गाने पर, दीदी तेरा देवर दीवाना सॉन्ग पर। तो डेफिनेटली स्टेज पर सलमान को इस पर नाचते देखना बेहद नॉस्टैल्जिया और एक्साइटिंग होगा। आप लोग कितना एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूं ज्योति नाहा, साइनिंग ऑफ। सी आर है, ये तो वैसी वाली बात हो गई। अपशब्द तो सब बोलते हैं लेकिन कहाँ बोलने हैं, अगर आपको अपशब्द बोलने हैं
कहाँ बोल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर बिग बॉस ने उसे चूज़ किया है तो किसी रीज़न से चूज़ किया है। और हिंदुस्तानी भाव इंटरटेन अच्छा कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तानी भाव मैं क्या थोड़ा सीनियर हूँ तेरे से, तो एक तेरे को एडवाइस दे रहा हूँ मैं कि लड़कियों से मत लड़ छोटे। तो क्या है, लड़की से लड़ रहा है, एक तो तू हिंदुस्तानी भाव बन रहा है और फिर लड़की से लड़ रहा है। मेरे भाई हिंदुस्तान की इज्जत तो रख छोटे, हिंदुस्तान की इज्जत रख, हिंदुस्तान के भाव कैसे होने चाहिए। लड़की कुछ बोले, जी मैडम, थैंक यू मैडम, हाँ मैडम, रिस्पेक्ट वुमन छोटे। तू एक एपिसोड के पहले ये बोल रहा था कि लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, लड़कियों की तमीज़ करो, दूसरे एपिसोड में तू लड़की को बोल रहा है ये चुपचाप बैठ रहा है, काय कैसा बोल रही है, काय कैसा कर रही है। तो ये थोड़ा मेरा जान थोड़ा इंटरटेन कर दो, किसी से लड़ मत, इंटरटेन कर। सी आर है, ये तो वैसी वाली बात हो गई, अब शब्द तो सब बोलते हैं लेकिन कहाँ बोलने हैं। अगर आपको अब शब्द बोलने हैं कहाँ बोलने हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर बिग बॉस ने उसे चूज़ किया है तो किसी रीज़न से चूज़ किया है। और हिंदुस्तानी भाव इंटरटेन अच्छा कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तानी भाव मैं क्या थोड़ा सीनियर हूँ तेरे से, तो एक तेरे को एडवाइस दे रहा हूँ मैं कि लड़कियों से मत लड़ छोटे। तू क्या है, लड़की से लड़ रहा है, एक तो तू हिंदुस्तानी भाव बन रहा है और फिर लड़की से लड़ रहा है। मेरे भाई हिंदुस्तान की इज्जत तो रख छोटे, हिंदुस्तान की इज्जत रख, हिंदुस्तान के भाव कैसे होने चाहिए। लड़की कुछ बोले, जी मैडम, थैंक यू मैडम, हाँ मैडम, रिस्पेक्ट वुमन छोटे। तू एक एपिसोड के पहले ये बोल रहा था कि लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, लड़कियों की तमीज़ करो, दूसरे एपिसोड में तू लड़की को बोल रहा है ये चुपचाप बैठ रहा है, काय कैसा बोल रही है, काय कैसा कर रही है। तो ये थोड़ा मेरा जान थोड़ा इंटरटेन कर दो, किसी से लड़ मत, इंटरटेन कर। स्टार्ट। सूरज, योर फिल्म इज रिलीजिंग टुमारो। Start. Suraj, your film is releasing tomorrow. सलमान खान को इंडस्ट्री में 3 डेकेड से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो अपनी फिटनेस से अपनी उम्र को बखूबी छुपा लेते हैं। इनफैक्ट फिल्म भारत में दिशा पाटनी के साथ उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने बेहद पसंद किया, और फिर वो आलिया भट्ट जैसी यंग ब्लड के साथ भी काम करने वाले ही थे, मगर ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले ही टैंक हो गया और भाईजान ने अनाउंस कर दी अपनी ईद 2020 रिलीज राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई। इस फिल्म के मोशन पोस्टर ने तो पहले से ही हमारा दिल जीत लिया है, और अब हमें कॉन्फर्मेशन मिली है इस फिल्म की लीडिंग लेडी की। जी हाँ, फिल्म भारत में भाईजान सलमान खान के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने के बाद दिशा पाटनी एक बार फिर उनके साथ इस कॉप ड्रामा में आएंगी नजर। और गेस व्हाट, शूटिंग शुरू होने के बाद दिशा इतनी एक्साइटेड थी कि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सलमान खान को एक बार फिर सांता क्लॉस का टाइटल दिया। दिशा ने इस इंटरव्यू में फिल्म को लेकर अपनी एक्साइटमेंट और सलमान के लिए अपनी रिस्पेक्ट जताते हुए कहा, आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद सलमान सर अगेन एंड दैट टू इन अ डिफरेंट अवतार। ही इज लाइक सांता क्लॉस इन सो मेनी वेज, ही ब्रिंग्स joy
and happiness to his fans all across the world. And not only that, this year he has given the perfect Christmas gift. वेल तो दिशा और सलमान की ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग को देखते हुए हमें यकीन है कि फिल्म भारत की तरह राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में भी फैंस इस हिट जोड़ी को बेहद पसंद करेंगे, है ना?